દેશભરમાં 15મી ઓગસ્ટના આઝાદી પર્વને લઈને ઉજવણીની તૈયારીઓ ચાલી રહી છે. તંત્ર છે તે પણ અલર્ટ છે. આ બધાની વચ્ચે ગુજરાત એટીએસે રાજકોટમાં મોટી સફળતા હાંસલ કરી છે. એટીએસ દ્વારા આતંકી મોડ્યુલનો પર્દાફાશ કરવામાં આવ્યો છે. શું છે સમગ્ર વિગત જાણો આ રિપોર્ટમાં. ગુજરાતમાં ફરી એક વખત આતંકી મોડ્યુલ એક્ટિવ થયું હોવાની વિગતો સામે આવી. રાજકોટની સોની બજારની અંદર 3 વ્યક્તિ આતંકી સંગઠન અલકાયદાને મદદ કરવા માટે સક્રિય થયા હતા. આ અંગે માહિતી ગુજરાત એટીએસને મળી હતી. આથી મોડી રાત્રે ઓપરેશન કરી 3 આરોપીને ગુજરાત એટીએસે ઝડપી લીધા છે. આ તમામ આરોપીઓ આતંકી સંગઠન અલકાયદા માટે ફંડિંગ અને સ્લીપર સેલને સપોર્ટ કરવા માટે એક્ટિવ થયા હતા. ગુજરાત એટીએસે અમન, અબ્દુલ શુકુર અને સૈફ નવાઝને રાજકોટથી પકડ્યા છે. ઝડપાયેલા 3 આતંકીઓ મુદ્દે એટીએસ દ્વારા પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરાઈ, જેમાં એટીએસે જણાવ્યું કે આતંકી અંગે માહિતી મળી હતી કે પશ્ચિમ બંગાળના 3 લોકો રાજકોટમાં કામ કરે છે, તેમજ તેઓ અલકાયદા માટે પ્રચાર કરે છે અને હથિયારની ખરીદી કરી હોવાની પણ બાતમી મળી હતી. ટેકનિકલ સર્વેલન્સના આધારે આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. ઝડપાયેલા 3 આરોપીઓ છેલ્લા 6 મહિનાથી રાજકોટ ખાતે હતા. આ 3 લોકોનું કામ બીજા લોકોને જોડવાનું હતું. આ 3 લોકો પાસેથી 5 મોબાઈલ ફોન પણ મળી આવ્યા છે, તેમજ મોબાઈલ ફોનમાંથી ઘણા પુરાવા પણ મળ્યા છે. કન્વર્ઝેશન એપની મદદ લેવાતી હતી, તેમજ હથિયાર ક્યાંથી લીધા તે માહિતી હજુ ગુપ્ત છે. યે તીનો વ્યક્તિ અલકાયદા જો એક પ્રતિબંધિત સંગઠન હૈ ઇસકે સાથ જુડાયે હુએ હૈ ઓર ઉસકી તંજીમ કા યહાં પે પ્રચાર પ્રસાર કર રહે હૈ ઓર બાકી લોગો કો ભી ઇસ તંજીમ મે જુડને કે લિયે પ્રેરિત કર રહે હૈ ઓર इन्होंने इन तीनों व्यक्तियों ने किसी काम को या किसी टास्क को अंजाम देने के लिए हथियार भी खरीदी करने की कोशिश करी. इस बातमी को श्री हर्ष उपाध्याय ने सीनियर अधिकारियों को अवगत कराया और सीनियर अधिकारियों ने इसके लिए 2 टीमों की रचना करी और इन 2 टीमों ने कल 31 जुलाई 2023 को 3 लोगों को डिटेन किया था. इन 3 लोगों को डिटेन किया और इनको इंट्रोगेट किया और इनके पास से जो मटेरियल मिला उसका और इनके घर का पंचनामा किया था और इस पूरे इंट्रोगेशन और इस पंचनामा में हमें बहुत सारी चीज़ें सामने आई थी. ये अमन मलिक जो है पिछले 1 वर्ष से टेलीग्राम के माध्यम से बांग्लादेश के और किसी और फॉरेन कंट्री के हैंडलर अबू तला और फुरसान जो इनका कुन्यात है, जो उनका ओरिजिनल नाम हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, और इनके संपर्क में आया था. इन दोनों व्यक्तियों ने इनको अमन को अलकायदा की तंजीम में जोड़ने के लिए प्रेरित किया था और इसके साथ साथ इसको बहुत सारा रेडिकल मटेरियल सप्लाई करता था और इनको किस तरीके से ऑटोमेटेड वेपन चलाने वो उसकी जो है तालीम भी देता था. और इसी दरमियान ये अमन टेलीग्राम और कन्वर्सेशन एप्लीकेशन के माध्यम से एक मुजम्मिल नाम के व्यक्ति के संपर्क में आया. मुजम्मिल ने इसको जिहाद और हिजरत करने के लिए प्रेरित किया था और साथ ही साथ अमन मलिक ने मुजम्मिल के माध्यम से एक कंट्री मेड सेमी ऑटोमेटेड पिस्टल और 10 राउंड भी इससे जो है प्रोक्योर किए थे. और इसको अमन मलिक को ये बोला गया था और अपने हैंडलर की तरफ से और ये खुद भी इस चीज़ की इच्छा धराता था कि ये और लोगों को अपने साथ जोड़े. तो इसने अपनी तंजीम में जो सेम कट्टरपंथी विचारधारा रखने वाले और जो रेडिकल माइंडसेट रखने वाले और लोगों को, युवाओं को ढूंढा और इसे 2 लोग मिले. इसमें से एक नाम शुक्र अली है और दूसरे का नाम सैफ नवाज है और इन दोनों को भी इस अलकायदा की तंजीम में जोड़ने का काम अमन मलिक ने किया है. और इन तीनों ने जो है अपने इन तीनों की जो अभी तक की जो पंचनामा और जो इनका इनके घर से जो सीज़र हुए हैं और इनके इनका बॉडी का जो जो पंचनामा हुआ है उसमें अभी तक इनके पास से जो एक सेमी ऑटोमेटेड कंट्री मेड पिस्टल मिली है और उसके 10 राउंड्स मिले. इनके पास से 10 मोबाइल फ़ोन मिले हैं और इन मोबाइल फ़ोन्स पर बहुत सारा रेडिकल मटेरियल मिला है. बहुत सारी सीक्रेट मैसेजिंग ऐप जो हम जनरली यूज़ नहीं करते, कन्वर्सेशन हो गया, एलिमेंट हो गई, ये इस तरह की एप्लीकेशन से लोग यूज़ करते हैं
और इसके अलावा इनके पास से ऐसे बहुत सारे वीडियोस मिले जो और लोगों को किस तरीके से जोड़ा जाए उनको उनको जो है उकसाने का में काम आते थे। और इनके पास से इनकी गूगल सर्च हिस्ट्री से ये भी पता लगा कि इन्होंने सेमी ऑटोमेटेड वेपन और ऑटोमेटेड वेपन लाइक AK-47 और ग्लॉक और ये सब किस तरीके से चलाई जाए इसकी इन्होंने गूगल सर्च से जो है जानकारी लेने की कोशिश करी थी। और बहुत सारे टेलीग्राम चैनल भी इन्होंने जो है ज्वाइन कर रखे थे। और इस आधार पर गुजरात ATS के पुलिस स्टेशन ने इनके ऊपर IPC के सेक्शन 121A और आर्म्स एक्ट की कलम 251B(a) के तहत गुना दाखिल किया है और आगे की इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है। आतंकीओ सौराष्ट्र में शू करवाना हता तेनी माहिती बांग्लादेश थी मळवानी हती तेमज पैसा नी कोई विगत हाल नथी मळी। आतंकीओ एक कट्टरपंथी शोधवानुं काम कर्युं छे त्यारे आ आतंकीओ कोना कोना संपर्क में हता तेनी पूछपरछ बाकी छे तेमज लोकल हेन्डलर कोण छे तेनी पण तपास करवामां आवनार छे। सोनाना कारीगर तरीके आ त्रणे काम करता हता। एक वर्ष पहला थी तेओनी गतिविधिओ तपास बाकी छे तेमज कोई पण प्रकारनी तालीम लीधा अंगेनी पण हजु तपास बाकी छे। राजकोट थी निलेश शिशांग्यानो अहेवाल गुजरात तक।